हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। चलिए हम बात करने वाले हैं उस पिक्चर के बारे में जो कुछ ही देर पहले अपलोड किया गया, कुछ घंटों पहले अपलोड किया गया और उसकी वजह से सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, सभी लोग चौंक गए। उसके बाद आप लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये पिक्चर कौन सा है। तो जो पिक्चर है वो प्ले हेड स्टूडियो का है, यानी कि रूपजीत जो है उनके स्टूडियो का है सर्टेनली। और उसमें ना पवनदीप खड़े हुए हैं। पवनदीप बिल्कुल बीच में ऐसे गुड बॉय की तरह खड़े हैं और साथ में दो लोग हैं। और इस पिक्चर को शेयर करने वाले कौन हैं, तो है एक अविरल कुमार है, दूसरा है अरिजीत श्रीवास्तव और AA ऑडियो लैब। इस तरीके से मतलब इन तीनों लोगों का आया हुआ है। एंड सर्टनली देखकर जो इनफैक्ट जो उसमें लिखा भी है, बेसिकली यही लिखा है, अविरल कुमार जी ने लिखा है, had a great session with Pavandeep Rajan today for our upcoming film तवई। आई थिंक तवई या थवई, मुझे नहीं माना उसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या है, बट मैं तवई मानकर चल रही हूँ अभी इस तरीके से। वी कांट वेट टू शेयर द सॉन्ग विद यू ऑल। और हम ऑल्सो वी कैन नॉट ऑल्सो वेट फॉर द सॉन्ग, बहुत साफ बता रही हूँ। अब ये सब जब आप जानते हैं तो इच्छा ये होती है कि भाई पवनदीप का गाना है, पवनदीप वहाँ पहुँचा हुआ है, पवनदीप म्यूजिक दे रहा है, कौन कौन कैसा किधर, मतलब सारे जो सवाल है एकदम से सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आपको गुड न्यूज़ बता ही देती हूँ, ये वाला गाना पवनदीप ने गाया है और ये वाला गाना फिल्म तवई, चलिए तवई जो हम मानकर चल रहे हैं नाम, इससे रिलेटेड है। अगर आपको कोई सही प्रोनाउंसिएशन आता है तो प्लीज़ मुझे वो भी बता दीजिएगा। अब ये जो है इसके पर अच्छे खासे कमेंट्स मिल रहे हैं पवनदीप को लेकर। मतलब कोई तो आप ही लोगों में से प्यारे प्यारे लोग फैंस जो हैं वो कहते हैं थैंक यू सर, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द सॉन्ग एंड आवर जेम, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द कॉम्बो सर, सुप्रीमली एक्साइटेड। मतलब इतने सुंदर सुंदर से मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों के जवाब जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। वेरी एक्साइटेड सीइंग योर ग्रोथ डे बाय डे, बेस्ट विशेस ऑलवेज विद हर हर महादेव, बहुत सारे हैं। अब ऐसे में फ्रेंड्स मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया कि ये तवई बेसिकली चीज़ क्या है, ये किस तरीके की फिल्म है और इसमें क्या ख़ास होने वाला है। तो मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो और आपके पास नहीं जाए, या मैं इन्फॉर्मेशन भी ना निकालूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके बारे में रिसर्च करने लगी और ये तवई नाम की जो फिल्म है इसके बारे में ऑनलाइन जो मुझे मालूम पड़ा है, जो इंटरनेट पे मुझे मालूम पड़ा है, इन 1880 अ महाराज थ्रू हिज atrocities invited Tawai. The village is terrified for generations until a chosen one sets things right. तो ये एक ऐसी फिल्म नज़र आती है जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। मुझे लगता है कि जो आपको मिस्ट्री लेकर आता है, थोड़ा सा डर भी होगा, थोड़ा सा म्यूज़िक में जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता रहा होगा और ऐसे में पवनदीप का गाना आ रहा है इसमें। अभी सर्टनली मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि किस तरीके का गाना है और पिक्चर में कहाँ कैसे यूज़ किया जा रहा है, बैकग्राउंड में यूज़ किया जा रहा है या फिर हीरो हीरोइन उसको अपनी आवाज़ दे रहे हैं, कैसे है। लेकिन उस बात का इंतज़ार करने के पहले मैंने कहा चलिए भाई आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो दे दूँ। इसके निर्देशक जो इंटरनेट पे बताए जा रहे हैं वो निर्भय जरीवाला, जयेश वृषिराज और शुभम खैरनार, इस तरीके से दिखाए गए हैं। और राइटर्स रमेश अरेजा, निर्भय जरीवाल, ये दिखाए गए हैं। जहां तक इसके स्टार कौन कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जाने माने टेलीविजन के कई सारे लोग इसमें शामिल हैं, जैसे मनोज जोशी जी हैं, अर्पित राका है, नीतू पांडे हैं, दिक्स्पंदन पाली है, सतीश बादल और भूषण प्रधान, ये कुछ नाम मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। और जब इसके बारे में रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन और भी निकाल रही थी तब मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों ने जो अपनी स्क्रिप्ट है उसकी पहली कॉपी उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव जी के लिए अर्पित की थी। मेरी उस मंदिर में बहुत ज़्यादा आस्था है क्योंकि मैंने बहुत एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने कुछ मांगा था और ये भी कहा था कि अगर ये पूरी हो गई, मांग हो गई तो मैं एक बार फिर से दर्शन करने आऊँगी, और वो हुई थी और वो मेरी मांग पूरी हुई थी और बहुत पहले की बात है। तो मेरे हिसाब से महादेव जी का एक बड़ा आशीर्वाद है इस फिल्म को, तो फिल्म भी अच्छा करे ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। और वैसे भी अर्पित इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। महाभारत के समय में मैंने उनके बड़े सारे इंटरव्यू किए थे, तो एक मनोज जी से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। सो अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि जय हो भोले के साथ जो भोलेनाथ का एक्स्ट्रा आशीर्वाद है वो आपके पवनदीप के पास ऑलरेडी है। अब बस दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए कि ये गाना कब आपके सामने आ जाए और कब इसे हम लूप में सुने, क्योंकि पवन का ऐसा कोई गाना नहीं होता जो लूप में ना सुना जा सके। और हाँ भाई, इनके गाने को, इस दिल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।